नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोनोसेफ 250 इंजेक्शन के बारे में। इसके फ़ायदे, नुकसान, इस्तेमाल करने का तरीका और कितने इंजेक्शन ये लगाए जाते हैं पेशेंट को, इन सभी बातों को इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे ऑल पर टच कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, मोनोसेफ 250 इंजेक्शन आता है अरिस्टो कंपनी का और इसमें जो सॉल्ट है, कंटेंट है, वो है सेफ्ट्राइजोन भी कह देते हैं। ठीक है, सबका अलग अलग तरीका है बोलने का। और ये 250 mg में है तो आपको ये 500, 1000, 2 mg, सब 2 ग्राम सब मिल जाते हैं। तो जैसी पेशेंट की कंडीशन है, एज के हिसाब से भी इसको दिया जाता है। ठीक है, और इसका MRP है 27 रुपये 71 पैसे। और तो चलिए बात कर लेते हैं इसके यूज़र्स की, किस काम में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। ये इंजेक्शन बैक्टीरिया के संक्रमण को ख़त्म करके बीमारी को ठीक कर देता है। इसका उपयोग सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, टॉन्सिल, फेफड़ों में इन्फेक्शन होना और आँख, नाक, कान, गले में कोई इन्फेक्शन हो जाना, गुप्तांगों में इन्फेक्शन हो जाना, गोनोरिया, यौन रोग, साइनस और निमोनिया की प्रॉब्लम, टाइफाइड का बुखार, यूरिन इन्फेक्शन, गुप्तांगों इन्फेक्शन हो जाना, किडनी की इन्फेक्शन हो जाना, पेट में सूजन हो जाना, छाले हो जाना या फिर स्किन की कोई इन्फेक्शन हो जाना, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ और फोड़ा फुंसी घाव को ठीक करने के लिए, छाती में रेशा जम जाना या फिर सांस लेने में दिक्कत होना। यानी कि दोस्तों, ये जो मैंने अभी बीमारियां बताई ये तो कुछ है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी जो डोज होती है ये एज और बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है पेशेंट को। जैसे कि ये इंजेक्शन अगर बड़ों को लगाना है, ठीक है, बड़ों को भी लगाया जा सकता है। इसे IV और IM दोनों प्रकार से दिया जा सकता है। IV यानी कि इंट्रावीनस, इसको नस में भी लगाया जा सकता है और IM यानी कि इंट्रामस्कुलर भी, इसको बैक साइड पे भी दिया जा सकता है। ज़्यादातर इसका उपयोग IV ही किया जाता है क्योंकि ये इंट्रामस्कुलर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो और IV देने से ये जल्दी काम भी करता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका जो वाटर होता है, पानी होता है, जितना डॉक्टर बताते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए इसको IV देना है तो 5 ml या फिर 4 ml से इसको बनाया जाता है, इसमें डाल के वाटर को और अच्छी तरह से हिला के इसको IV या फिर IM दिया जा सकता है। अगर IM देना है तो कम से बनाया जाता है कि 2 ml से भी बनाया जा सकता है या फिर 1.5 ml से भी बनाया जा सकता है, लेकिन जब IV दिया जाता है तो 5 ml डालना ज़रूरी होता है। तो अगर इसको बड़ों को देना होता है तो साथ में दूसरा एंटीबायोटिक भी, टैबलेट भी दी जाती है क्योंकि ये उतना कवर नहीं कर पाएगा, 250 mg है, तो वो डॉक्टर चेक करके, ठीक है, पेशेंट को कितना इन्फेक्शन है, क्या है उसका बॉडी वेट और एज का देखकर ही इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसको 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक इस्तेमाल किया जा सकता है। सुबह शाम इसको दिया जाता है या फिर एक टाइम भी दिया जाता है, वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहता है कि उसे कितनी इन्फेक्शन है। ठीक है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना अस्पताल के इसको उपयोग नहीं किया जाता है। हॉस्पिटल्स वगैरह में ही इसका उपयोग किया जाता है या फिर क्लिनिक्स वगैरह पे, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर होते हैं वही इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको लगाने से कई बार रिएक्शन भी हो जाता है, कई नुकसान भी हो जाते हैं, पेशेंट बेहोश हो जाता है, चक्कर आ जाते हैं, उल्टी भी हो जाती है, ठीक है, और पूरे शरीर में खुजली भी हो सकती है, पीलिया हो सकता है, पेशेंट को सिर दर्द हो सकता है। तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और नुकसान होते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के इसको उपयोग नहीं किया जाता है। डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब कर देंगे पेशेंट को तभी इसका उपयोग किया जाता है। और तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।